बारिश के मौसम में वड़ा पाव खाने का मज़ा ही अलग होता है, तो आज बनाएंगे हम वड़ा पाव। मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने राई, करिया पाक और अदरक लहसुन चॉप करके डाला है। फिर हम एक कुकर में 4 to 5 पोटैटोस लेंगे और उसे बॉईल कर लीजिएगा। फिर हम पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लेंगे, इसे स्टर कर लीजिए। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। अब इसमें मसाला ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि हल्दी, नमक 1 स्पून और मिर्च 1 स्पून, जीरा धनिया पाउडर 1 स्पून, और आप कोई सा भी मसाला जो आपको पसंद है वो डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़ा पाव मसाला रेडी हो चुका है, तो अब हम ये आलू को कोट करने का मसाला प्रिपेयर करते हैं। मैंने एक पाव में बेसन लिया है, आप 3 कप बेसन ले सकते हो। अब इसमें मसाला ऐड कीजिए, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जिससे कि लम्स ना हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें लेमन भी ऐड करेंगे, आप देख सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी। और आलू का मसाला जो हमने बनाया था उसके बॉल्स बना लेंगे और इसे हम कोट करेंगे बेसन में। आप देख सकते हो ये बेसन, इसमें हमने आलू कोट किया है, तो हमें बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर से सॉफ्ट आलू का टेस्ट मिलेगा। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो पाव में मैंने ऐड किया है ग्रीन चटनी, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। फिर जो हमने वड़ा प्रिपेयर किया था हम उसे ऐड करेंगे, और आप ग्रीन चिली, अब हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे और वड़ा पाव चटनी ऐड करेंगे। तो आपका कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड है कमेंट में बताइएगा ज़रूर।